हेलो फ्रेंड्स। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है क्यूब। अगर हम बात करते क्यूब, क्यूब का मतलब क्या होता है दोस्त? तो क्यूब का मतलब होता है घन। क्यूब का मतलब होता है घन। अब ये घन होता क्या है, या फिर ये क्वेश्चंस हमारे कहाँ बनते हैं? तो गाइस, सबसे पहली बात मैं आपको ये बता देना चाहूंगा कि ये क्वेश्चन आपके एसएससी में बनते हैं, रेलवे में इसके क्वेश्चंस बनते हैं। अभी जैसे बात करूं मैं कि DSSSB में हो या KVS में हो, ठीक है, तो इसके क्वेश्चंस यहाँ पे भी बनते हैं। और इसके साथ साथ जो भी, जैसे अभी आपका DRDO का पेपर होना है, DRDO में क्यूब का क्वेश्चन बन सकता है। क्यूब एंड डाइस होता है, तो डाइस में करा चुका हूँ और हम लोग क्यूब की बात कर रहे हैं। बैंकिंग में इसको क्वेश्चंस नहीं आते, ठीक है। तो आपको बैंक के अलावा और सारे जितने भी पेपर देने हैं तो उसमें हम लोग इसको क्वेश्चंस देखेंगे। और अगर मैं बात करूं कि 2018 में, तो 2018 में जो DSSB का पेपर हुआ था उसमें 4 to 5 क्वेश्चन आपके क्यूब के पूछे गए थे। अब क्यूब क्या होता है, जैसे कि अभी मैं आपको दिखाता हूं कि ये क्यूब है, आप देख पा रहे होंगे, है ना? अब यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि ये क्यूब ऐसा ही क्यूब होता है। तो हम लोग आज इसी के बारे में पढ़ने वाले हैं भाई, आखिर ये क्यूब है क्या, ठीक है ना? तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि क्यूब के क्वेश्चन हमारे लिए इंपॉर्टेंट है पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से। वो इसलिए क्योंकि क्यूब में फॉर्मूले हैं। क्यूब में टोटल आपके 6 to 8 क्वेश्चंस बनते हैं, ठीक है, जिसमें से मैं आपको 6 to 8 क्वेश्चन आपको एक्सप्लेन करूंगा, बताऊंगा। उसके साथ साथ अगर मैं बात करूं कि क्यूब के बारे में, तो क्यूब के जो अभी बता रहा था थोड़ी देर पहले कि फॉर्मूले, और वो फॉर्मूले पेपर के टाइम पे याद नहीं होते, और मैं आपको बिना फॉर्मूले के बताऊंगा। तो आइए, आप देख रहे हैं एडू प्राइड, प्राइड विथ एक्सीलेंस, और मैं भानु प्रकाश आपके सामने आज क्यूब का टॉपिक एक्सप्लेन करने के लिए आया हूं। और क्यूब के जो क्वेश्चंस हैं वो आपको आज ऐसा सिखा के जाऊंगा कि कभी भी वो गलत नहीं होगा। क्लियर है? अब बात करते हैं क्यूब। तो अगर ये क्यूब है तो इस क्यूब में कितने कॉर्नर हैं, है ना? अब देखिए, जैसे यहां पे अगर मैं क्यूब बना देता हूं आपके लिए, ठीक है, अगर मैं इस क्यूब की बात करूं तो बनेगा ये कि इस क्यूब में कितने कॉर्नर हैं। तो देखिए, एक कॉर्नर ये है आपका, ये कॉर्नर वो है जिसके 3 साइडेड पेंटेड है भाई। एक आपका ब्लू कलर, ये आपका है रेड कलर, और ये आपका है येलो कलर। तो एक कॉर्नर यहां पे 1 2 3 4, चार कॉर्नर ये ऊपर में हो गए और चार नीचे में, 5 6 7 और 8। तो टोटल कॉर्नर कितने होते हैं क्यूब में? तो क्यूब में कॉर्नर यानी कि कोने कितने होते हैं, तो वो होते हैं 8। क्लियर यहां तक? अब बात करते हैं क्या सरफेस की। सरफेस का मतलब क्या होता है? सतह होता है। तो देखिए, एक सतह ये आगे वाला पूरा 1, इसके पीछे 2, ऊपर 3, नीचे 4, राइट में 5 और लेफ्ट में 1 6, यानी टोटल सरफेस कितने होते हैं? 6 होते हैं। अब इसके बाद मैं बात करूं क्या एजेस यानी कि किनारे, टोटल किनारे कितने होते हैं? तो जो कॉर्नर को टच करता है किनारा कहते हैं। तो एक आपका किनारा ये वाला हुआ प्रॉपर 1, एक आपका किनारा ये वाला हुआ प्रॉपर 1 2 3 4, यानी कि जो हमारे पास क्यूब है उसका किनारा। जैसे अगर आपका रूम है तो एक कोने से दूसरे कोने को टच कराएंगे तो ये कोना हो गया आपका 1, फिर ये हो गया 2, ये हो गया 3, ये हो गया 4। तो ये 1 2 3 4, और 4 नीचे में 5 6 7 और 8, ये हो गया आपका 9। ऊपर से लेकर नीचे तक वाला कोना हो गया आपका 9 10 11, और ये हो गया कॉर्नर आपका 12। तो एजेस कितने होते हैं? एजेस आपके 12 होते हैं। क्लियर? अब देखिए, इसके बाद अगर मैं बात करूं कि हमारा क्वेश्चन किस टाइप का बनेगा, तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं कि हमारे पास ये जो क्यूब आप देख पा रहे हैं, ये क्यूब आपके पास 4x4 का है या 3x3 का, तो ध्यान दीजिएगा यहां पे जो हमारे पास क्यूब बना हुआ है, 3 है, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3 और 1 2 3। क्लियर है ना? 3x3 का है, यानी कि क्यूब कितने का है? 3x3 का है। अब गाइज, अगर डेफिनेशन की बात करूं मैं,
तो अगर डेफिनेशन क्यूब का बनाया जाता है प्रोफेशनली, तो डेफिनेशन बनता है कि सच थ्री डायमेंशनल थिंग्स हैव इक्वल लेंथ ब्रेथ एंड हाइट इज कॉल्ड क्यूब. सच थ्री डायमेंशनल थिंग्स हैव इक्वल लेंथ ब्रेथ एंड हाइट इज कॉल्ड क्यूब. एक ऐसी 3D त्री आयामी वस्तु जिसकी लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई एक समान हो, बराबर हो, उसे घन कहते हैं. जिसकी लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई एक समान हो उसे क्या कहते हैं? घन कहते हैं. क्लियर ये चीज? अब देखिए, अब जब इसका क्वेश्चन बनाया गया होगा तो क्वेश्चन क्या बनाया जाएगा, देखिएगा ध्यान से कि अ साइड ऑफ 3 सेंटीमीटर अ हार्ड क्यूब एपोस्ट्रोफीज क्यूब्स ऑपोजिट फेसेस इज. अब देखिए क्वेश्चन क्या बना कि अ साइड ऑफ 3 सेंटीमीटर अ हार्ड क्यूब्स ऑपोजिट फेसेस इज कलर्ड बाय द कलर ऑफ रेड, ग्रीन, एंड ब्लू कलर. अब यहां पे ऑपोजिट फेसेस का मतलब क्या है दोस्त? ये वो क्यूब है जो छोटे बच्चे आपने देखा होगा ऐसे रोटेट करके खेलते हैं, ये वाला है ना. जैसे कि यहां पे देखिए, ये ऑलरेडी आपका मिक्स करके रखा गया है यहां पे, तो ये वही क्यूब है जो छोटे बच्चे खेलते हैं. लेकिन यहां पे देखिए ध्यान से, यहां पे सारा सरफेस सेम कलर का है, चाहे कोई सा कलर. अब यहां पे देखिए, यहां पे ग्रीन कलर है, ग्रीन के सामने देखिए यहां पे ब्लू कलर है, दो कलर हो गए. यहां पे ऑरेंज है और पीछे में रेड है, चार हो गए. येलो है और इधर व्हाइट कलर है, छह. लेकिन अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चंस, क्वेश्चन हमारा जो अगर बनाएगा तो क्वेश्चन में क्या बनेगा कि ऑपोजिट फेसेस इज कलर्ड बाय द कलर ऑफ रेड, ग्रीन एंड ब्लू कलर. ठीक है, ऑपोजिट फेसेस जो है वो कलर्ड बाय द कलर ऑफ रेड, ब्लू एंड ग्रीन कलर है. तो गाइस यहां पे जो हमारे पास रेड, ब्लू और ग्रीन कलर है, तो अगर सामने रेड है तो ऑपोजिट भी रेड होगा, अगर ऊपर में ब्लू है तो नीचे भी ब्लू होगा. क्लियर है? तब यहां पे क्या था, रेड, ब्लू एंड ग्रीन, और अगर इधर में ग्रीन है तो इसके अपोजिट साइड भी ग्रीन होगा. यानी कि तीन ही कलर है, तो अगर ये रेड है तो दोनों तरफ रेड होगा, ये आपका ग्रीन होगा और आमने सामने येलो होगा. जो सा भी कलर आप लेना चाहें, जैसे क्वेश्चन में रेड, ग्रीन एंड ब्लू, तो रेड, ग्रीन एंड ब्लू ले लेते हैं. क्लियर है? इसके बाद हमारा क्वेश्चन क्या बनेगा, इसके बाद हमारे क्वेश्चन में क्या बनेगा, क्वेश्चन था कि अ साइड ऑफ 3 सेंटीमीटर हार्ड क्यूब्स ऑपोजिट फेसेस इज कलर्ड बाय द कलर ऑफ रेड, ग्रीन एंड ब्लू कलर. देन वी कट ए स्मॉल पीसेस दैट साइड ऑफ 1 सेंटीमीटर. ठीक है ना? देन वी कट अ स्मॉल पीसेस दैट साइड ऑफ 1 सेंटीमीटर. गाइज मेरे पास बहुत सारे स्टूडेंट्स की डिमांड आई थी कि भाई सर आप हमें क्यूब की वीडियो करा दीजिए. स्पेशली कुछ लोगों के मैसेज भी आए थे कि सर क्यूब की वीडियोस. तो भाई हमने कहा कि चलो आज आपकी मुराद पूरी कर देते हैं और ये वीडियो स्पेशली आप ही के लिए बनाए गए हैं. ठीक है ना? तो आप इसे अच्छे ध्यान से देखिएगा और मैं उम्मीद करता हूं कि इस वीडियो के बाद आपको कुछ और देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी और क्यूब के आपके जो भी क्वेश्चन पूछे गए होंगे चुटके बजाते सॉल्व. बस क्या करना है, हर बार की तरह आज फिर से कहूंगा कि जब कभी आप मेरे वीडियोस, मेरे लेक्चर्स लेने के लिए बैठे आप सामने, ठीक है, तो पेन और पेपर लेके जरूर बैठे ताकि साथ के साथ हम लोग कैलकुलेशन करते रहें. ठीक है, आइए देखते हैं. क्वेश्चन हिंदी में पढ़ देता हूं कि एक तीन सेंटीमीटर भुजा के ठोस घन के विपरीत सतहों को क्रमशः लाल, हरा और नीले रंग से रंगा जाता है. लाल, हरा और नीले रंग से रंगा जाता है, फिर उसे एक एक सेंटीमीटर के अलग अलग टुकड़ों में बांट दिया जाता है.
फिर उसे एक एक सेंटीमीटर के अलग अलग टुकड़ों में बांटा जाता है। तो गाइस जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, ठीक है, कि ये आपका एक बॉक्स बना हुआ है। तो ये जो बॉक्स बना हुआ है वो एक एक सेंटीमीटर में कटा हुआ है, बीच में ये जो व्हाइट कलर की आप लाइनें देख रहे हो ना, तो ये काटा गया है, तभी जाके वो 1 2 3 1 2 3 1 2 3 पीसेज बने हैं। तो पहला क्वेश्चन आपका ये बनेगा कि टोटल नंबर ऑफ क्यूब इज, पहला क्वेश्चन आपका ये बन सकता है गाइस यहाँ पे कि भाई टोटल नंबर ऑफ क्यूब कितने होंगे। क्लियर है ना? तो यहां पे अगर मैं कहूं आपको कि टोटल नंबर ऑफ क्यूब दैट साइड ऑफ 1 सेंटीमीटर, ऐसे कितने घन जिनकी साइज जो है वो 1 सेंटीमीटर के, तो 1 सेंटीमीटर में कटा था अभी थोड़ी देर पहले अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, देखिए यहां पे ध्यान से 1 सेंटीमीटर में कटा था, तो वो एक एक सेंटीमीटर के कितने, तो आपके पास जो एक साइड गिवन है वो कितने का गिवन है, एक साइड आपके पास 3 सेंटीमीटर का गिवन है, तो कुछ नहीं करना है 3 का क्यूब कर दीजिए, आपके पास टोटल आंसर निकल के आ जाएगा कि 3 का क्यूब कितना 27, तो वो एक एक सेंटीमीटर के कितने टुकड़े बने होंगे, 27 टुकड़े बने होंगे। क्लियर यहां तक? अगर यही क्वेश्चन हमारे पास होता 4x4 का तो 4 का क्यूब 64, 5x5 का होता तो 5 का क्यूब 125। अब गाइस एक बार पेपर में क्वेश्चन ये पूछा गया था कि एक एक सेंटीमीटर के 125 टुकड़ों को मिलाकर, 125 टुकड़ों को मिलाकर एक ठोस घन का निर्माण किया जाता है, एक हार्ड क्यूब का निर्माण किया जाता है, एक हार्ड क्यूब बनाया जाता है। जो टुकड़े बिखरे थे वो कितने थे 125, और जब उसको मिला के एक हार्ड क्यूब बनाया जाता है तो उस क्यूब की एक साइड कितने सेंटीमीटर की होगी, तो 125 का जो क्यूब बना है, एक एक मतलब टुकड़े 125 है, उसको जब मिलाओगे तो 5x5 का बनेगा, क्योंकि 5 का क्यूब ही तो 125 होता है भाई। अभी 3x3 का हम लोग ले रहे हैं क्वेश्चन, तो 3x3 का 27 होगा, तो 27 टुकड़ों को मिलाओगे तो वो कितना बनेगा, 3 सेंटीमीटर का बनेगा। क्लियर है? अब देखें, अब यहां पे हमारे पास अगर मैं यहां पे अगर क्वेश्चंस की बात करूं तो क्वेश्चंस के साथ साथ एक पिक्चर आता है, मैं आपको यहां पे पिक्चर हालांकि ड्रॉ कर देता हूं और मैं आपको पिक्चर इसके माध्यम से भी मैं आपको बताऊंगा, जो ये आप देख पा रहे हैं ना इसके माध्यम से भी मैं आज आपको यहां पे बताने वाला हूं। ये स्पेशली इसीलिए रखा गया है कि भाई जिन लोगों को क्यूब और डाइस में, तो क्यूब में जिन लोगों को प्रॉब्लम है ना, उनकी प्रॉब्लम्स यहां से आज खत्म, आज उनकी आखिरी प्रॉब्लम है, और अगर आप हमें फर्स्ट टाइम देख रहे हो तो पहली और आखिरी प्रॉब्लम है आज आपकी क्यूब के मामले में, यानी आज के बाद आपको क्यूब को लेकर टेंशन नहीं लेना है। ठीक है, आइए देखते हैं। जब हमारे पास 3x3 की बात करी गई है तो हमने एक बॉक्स बनाया, इस बॉक्स में हमने लाइन ड्रॉ किया है, क्यूब हमने बना दिया। अब क्यूब में कहा गया था कि 3 कलर रंगे गए हैं, कौन कौन से, रेड ग्रीन और ब्लू कलर। तो गाइज अगर मैं कहूं कि अगर इसको रेड ले लेते हैं, इसको ग्रीन ले लेते हैं, और इस वाले को क्या ब्लू ले लेते हैं, इस वाले को क्या ले लेते हैं, ब्लू ले लेते हैं गाइज, ठीक है ना, ब्लू कलर ले लेता हूं मैं ना? तो इस वाले को ब्लू कलर ले लेते हैं, तो ये हो गया आपका कौन सा कलर, रेड कलर, ये हो गया आपका ग्रीन कलर, और ये हो गया आपके पास कौन सा कलर, ब्लू कलर का हो गया। क्लियर है ना? अब देखिए पहला क्वेश्चन आपका क्या बन के आता है यहां पे कि हाउ मेनी क्यूब्स आर 3-साइडेड कलर्ड। पहला क्वेश्चन बन के आएगा आपका कि थ्री साइडेड कलर्ड, यानी कि 3 सतह रंगीन वाले क्यूब कितने हैं, 3 सतह रंगीन वाले क्यूब कितने हैं। अब एक बात बताइए, जो 3-साइडेड वाली बात करूं मैं, तो हमारे पास जो 3 कलर है वो है आपका रेड ग्रीन एंड ब्लू कलर। तो देखिए ये रेड कलर है, ये ग्रीन कलर है, और ये ग्रीन कलर है, तो रेड कलर, ग्रीन कलर और ब्लू कलर। तो गाइस ये अगर कॉर्नर वाले क्यूब की बात मैं बताऊं, तो अगर सामने में ग्रीन है तो पीछे भी ग्रीन होगा, सामने में ग्रीन है तो पीछे भी ग्रीन होगा, इधर रेड है तो इधर भी रेड होगा,
क्लियर है। और अगर हमारे पास ऊपर में ब्लू है तो नीचे में भी ब्लू कलर होगा, सॉरी ग्रीन, ग्रीन है अगर यहाँ पे तो ग्रीन, और यहाँ पे ब्लू है तो ब्लू होगा। अब एक बात बताइए, जब ये कॉर्नर वाला पार्ट आप यहाँ से हटाओगे, जब ये कॉर्नर वाला पार्ट आप हटाओगे, ये वाला पार्ट जब आप ये पूरा हटाओगे यहाँ से, तो यहाँ से जब पूरा हटाएंगे तो आपके पास क्या मिलने वाला है, ये आपका क्या हो गया कलर, ये आपका कलर हो गया ब्लू, तो इधर भी ब्लू, ये रेड तो इधर भी रेड, इधर ग्रीन तो इधर भी ग्रीन। तो ये कॉर्नर का जब पार्ट आप हटाइएगा, ये वाला पार्ट जब आप हटाइएगा तो एक पे रेड, एक पे ब्लू और एक पे ग्रीन कलर निकल के आएगा, एक पे रेड, एक पे ब्लू और एक पे ग्रीन आएगा। तो ये पोजीशन कहाँ का है कॉर्नर का, देखिएगा ध्यान से, अगर ये हमारा रेड है तो ये आपका ग्रीन होगा और ये आपका क्या ब्लू कलर होगा। ये पोजीशन कॉर्नर का है, और कॉर्नर कितने होते हैं, तो कॉर्नर हमारे पास टोटल 8 होते हैं। तो जब कभी आपसे क्वेश्चन में कहा जाए कि हाउ मेनी क्यूब्स आर 3 साइडेड, तो ध्यान दीजिए, जब इसको मैंने थोड़ा सा ऐसे खिसकाया, इसको थोड़ा सा ऐसे खिसकाया तो ये हट रहा है ना, लेकिन जब इसको सेट करेंगे यहाँ पे तो ये प्रॉपर कोने वाला पोजीशन निकल के आएगा, और कोने वाले पोजीशन पे 3 सरफेस कलर्ड होते हैं। तो जब कभी आपसे क्वेश्चन में पूछा जाए क्या कि हाउ मेनी क्यूब्स आर 3 साइडेड कलर्ड, तो आपका आंसर ऑलवेज कितना होना चाहिए, आपका आंसर ऑलवेज 8 होना चाहिए। यहां तक कोई दिक्कत हो तो बताइए, आप आगे बढ़ाऊं। सेकेंड क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं तो सेकेंड क्वेश्चन में हमारे पास डाटा क्या बनेगा, सेकेंड क्वेश्चन बनेगा कि हाउ मेनी क्यूब्स आर 2 साइडेड कलर्ड। यानी कि 2 सतह रंगीन वाले घन कितने हैं। अब गाइस सिंपल से एक बात बताइए, अगर यहां पे मैं बात करूं कि ये ग्रीन और ये रेड है, ये रेड और ये ब्लू है, तो हालांकि अगर ये ग्रीन है तो सामने भी ग्रीन होगा, और ये ब्लू है तो इधर भी ब्लू होगा, और ये रेड है तो इधर भी रेड होगा। तो ये वाला जो पोजीशन आपको मैं दिखाने जा रहा हूं, ध्यान दीजिएगा, ये आपका रेड और ये देखिए रेड है और ये आपका ग्रीन है, तो जब आप इसको हटाइएगा यहाँ पे, तो ये वाला अगर आप खाली लेते, खाली ये वाला पोजीशन लेते हैं, ध्यान दीजिए, अगर आप खाली ये वाला पोजीशन लेते हैं तो एक पे रेड है और एक पे क्या है ब्लू है, देखिए मैं ध्यान से, एक पे ब्लू है यहाँ पे और एक पे रेड कलर है, तो ब्लू और रेड कलर का एक ही निकल के आना है यहाँ से, तो एक यहाँ से निकल के आएगा, एक यहाँ सामने से निकल के आएगा, देखिए एक आपका यहाँ पे निकल के आएगा, एक यहाँ पे निकल के आएगा ब्लू और रेड, ठीक है। तो ब्लू और रेड ना, लेकिन हमारे पास क्वेश्चन क्या है कि 2 साइडेड कलर्ड, तो 2 साइडेड कलर्ड इनके भी हैं, इनके भी हैं, इनके भी हैं, और 2 साइडेड कलर्ड इनके भी हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, क्लियर है, 9, 10, 11, 12, तो 2 साइडेड क्यूब कितने, 12 है, लेकिन यहाँ पे आपके पास कितने, 4 निकल के आए हैं, और 4 निकल के आए हैं, और क्यूब जो है वो आपका 3D होता है, 3D होता है, तो उस 4 को हमेशा किससे मल्टीप्लाई करिए, 3 से मल्टीप्लाई करिए, तो आपका आंसर क्या बनेगा, 12 बनेगा। यानी कि टोटल 12 ऐसे क्यूब हैं जिनके 1 साइडेड कलर्ड है, सॉरी 2 साइडेड कलर्ड है, क्लियर है। अब यहाँ पे हमारे पास क्या होगा, क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि हाउ मेनी क्यूब्स आर 2 साइडेड कलर्ड बाय द कलर ऑफ रेड एंड ब्लैक, रेड एंड ग्रीन, या फिर ग्रीन एंड ब्लैक। तो कुछ नहीं करना है, ये 12 को 3 बराबर हिस्सों में बांट दो, क्योंकि देखिए अगर हमारे पास ये ग्रीन है और ये रेड है, तो रेड और ग्रीन का एक यहाँ पे मिला है, एक यहाँ पे मिलेगा, 2 भाई, रेड और ग्रीन एक यहाँ पे, एक यहाँ पे 2, एक यहाँ पे मिलेगा 3, और एक यहाँ पे मिलेगा 4। तो रेड और ग्रीन के कितने मिलेंगे, 4, क्योंकि देखो एक और एक 2 तो सही है ना, रेड और ग्रीन का एक यहाँ पे और एक यहाँ पे 2, अब ऊपर ग्रीन है तो नीचे भी ग्रीन 3, और आगे रेड है तो पीछे भी रेड है 4। यानी कि ये टोटल आपके क्या, अगर दिया होता क्या हमारे पास, अगर दिया होता कि रेड एंड ग्रीन, ग्रीन एंड ब्लू और ब्लू एंड रेड, तो इन सबके आंसर कितने होते, 4 4 होते, क्लियर है ना। अब यही 4 4 मिला के टोटल कितना हो गया, 12 हो गया। यानी अगर हमारा क्वेश्चन ये कहा गया होता कि हाउ मेनी क्यूब्स आर 2 साइडेड कलर्ड बाय द कलर ऑफ रेड एंड ग्रीन कलर ओनली, ऐसे कितने घन है जिनके 2 साइडेड रेड और ग्रीन कलर से कलर्ड है, तो आंसर विल बी 4 4 एंड 4, और यही 4 को मिला के हमने कितना किया है, 12 बनाया है, यही 4 को हम लोगों ने यहाँ पे 12 बनाया है, क्लियर है। यानी यही वाला 4 हीरो बन रहा है, आप ये कह सकते हो, ठीक है।
देखिए, जब बात करते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर थर्ड की, तो क्वेश्चन नंबर थर्ड में हमारा क्वेश्चन क्या बनता है, क्या कि वन साइडेड, कि एक सतह रंगीन वाले क्यूब कितने हैं। अभी गाइस एक बात बताइए ना, ये ग्रीन है, ये थ्री में, ये टू, ये थ्री में, और ये दोनों थ्री में, और बीच वाला आपका कितने में चला गया। तो ये सारा पार्ट अगर मैं यहां से ढक के हटा दूं तो आपको ग्रीन कलर का कितना दिख रहा है, खाली एक ग्रीन दिख रहा है। तो एक ग्रीन आगे है तो एक ग्रीन यहाँ पीछे होगा, यानी कि ग्रीन कलर के कितने हैं, टू है। ठीक है, एक ग्रीन आगे है और एक ग्रीन पीछे है, तो ग्रीन के टू हो गए। अब दोस्त अगर मैं बात करूं कि यहाँ पे हमारे पास एक येलो आगे है तो एक येलो पीछे होगा, येलो कलर के भी कितने हो गए, दो। अब मैं बात करूं कि एक रेड आपके पास आगे और एक रेड पीछे है, तो ग्रीन कलर के कितने हो गए, टू। रेड कलर के कितने हो गए, टू। ब्लू कलर के कितने हो गए, टू। क्लियर है ना। अब पूछा कि वन साइडेड कितने हैं, तो गाइज ये वन साइडेड की अगर मैं यहाँ पे बात करूं तो यहाँ पे वन साइडेड कौन से वाले, रेड वाले, ग्रीन वाले, ब्लू वाले, तो सारा इकट्ठा लेके हमने क्या बना दिया यहाँ पे कि वन साइडेड का आंसर कितना आएगा, सिक्स। अब वन साइडेड सिक्स लाया कहाँ से, आपके पास यहाँ जो एक एक ये वाला पार्ट बचा ना, हल्का सा येलो दिखा रहा हूँ मैं ये रेड कलर पे, तो एक ये हो गया आपके पास, एक ये हो गया। ठीक है, अब गाइस आपको करना क्या है कि एक हो गया, और टोटल क्यूब में सरफेस कितने होते हैं, तो ध्यान दीजिएगा टोटल हमारे पास क्यूब में सरफेस कितने होते हैं, सिक्स होते हैं। तो उस वन को इंटू सिक्स करिएगा तो हमें हमारा आंसर सिक्स मिल जाएगा। उस वन को सिक्स करिएगा तो हमें हमारा आंसर सिक्स मिल जाएगा। क्लियर है। अब देखिए इन तीन क्वेश्चंस के बाद, अब देखिए ये जो क्वेश्चन हमने अभी लिया था यहाँ पे कि रेड एंड ग्रीन कितने होंगे, रेड एंड ब्लू, या फिर ओनली ग्रीन और ओनली ब्लू कितने होंगे, क्लियर है ना। अब यहाँ पे आपका चौथा क्वेश्चन बनता है क्या कि हाउ मेनी क्यूब्स आर मिनिमम टू साइडेड कलर्ड, ऐसे कितने घन जिनके कम से कम दो सतह रंगीन है। कम से कम दो सतह रंगीन वाले। अब गाइज एक बात बताइए यहाँ पे छोटी सी, क्या कि जब कम से कम दो सतह की बात करी गई है तो आपके पास जो क्वेश्चन में कहा गया था थ्री साइडेड वाले, तो थ्री साइडेड वालों का आंसर कितना आया है, थ्री साइडेड वालों का आंसर कितना है, एट है। तो वो आठ क्यूब कितने साइड कलर्ड है उनके, तो आठ क्यूब के तीन साइडेड कलर्ड है। तो भाई मेरे जब उस आठ क्यूब के तीन साइडेड कलर्ड है, ठीक है, तो वो तीन साइडेड वाला मिनिमम टू में भी आ सकता है, मिनिमम टू में भी आ सकता है। तो ये हो गया आपका एट। अब जिनके पास टोटल टू साइडेड ही कलर्ड है, ये वाला पार्ट जिनके पास टोटल टू साइडेड कलर्ड है, तो उस टू साइडेड को मिनिमम टू में ले लो या मैक्सिमम टू में ले लो या ओनली टू में ले लो, तो वो टू में आएगा, तो ये ट्वेल्व होगा, तो टू साइडेड का आंसर कितना होगा, ट्वेंटी। अब गाइज अब यहाँ पे ना कुछ लोगों को थोड़ा सा कंफ्यूजन हुआ होगा, कोई नहीं, कंफ्यूजन जब हम है तो क्या गम है, क्लियर है ना, जब हम है तो क्या गम है, आपके कंफ्यूजन हम दूर करके जाएंगे। क्लियर है। देखिए हम लोग यहाँ पे क्या तीन लाइनें लेते हैं, ध्यान दीजिएगा, अच्छा एग्जाम्पल है, ठीक है, और एग्जाम्पल बिल्कुल सटीक है, समझ में ना आया ऐसा हो नहीं सकता। इसका नाम दे दिया हमने थ्री रुपीस, टू रुपीस, और ये दे दिया हमने वन रुपीस। क्लियर है। यहां पे टोटल लोग हैं आठ, यहां पे है बारह और यहां पे है छह। अब आपसे क्वेश्चन ये पूछा गया कि भाई ये टोटल आपके क्लास के लोग हैं, ये टोटल आपकी क्लास के लोग हैं, पूछा गया कि भाई आपकी क्लास में कितने लोग हैं ऐसे जिनके पास ओनली थ्री रुपीज है, तो ओनली थ्री रुपीज वाले कितने लोग हैं, आंसर क्या निकल के आएगा, एट निकल के आएगा ओनली थ्री रुपीज वालों का। क्लियर है। अब एक बात बताइए, जब ओनली थ्री रुपीज वालों का आंसर एट निकल के आएगा, तो अगर क्वेश्चन कहा जाता कि ओनली टू रुपीज वाले कितने हैं, तो ओनली टू रुपीज वालों का आंसर कितना निकल के आएगा, ये वाला 12 निकल के आएगा। तो ओनली थ्री का 8 है और ओनली टू रुपीज का 12
12 है। तो जब आपसे क्वेश्चन में ये पूछा जाएगा कि मिनिमम 2 रुपीज और मिनिमम 3 रुपीज, तो गाइस जब आपसे क्वेश्चन में ये पूछा जाए कि कम से कम कितने लोग ऐसे हैं जिनके पास कम से कम 2 रुपया तो है ही, तो भाई मेरे कम से कम 2 रुपए में इन दोनों को ऐड कर दिया जाएगा, तो इन दोनों को ऐड कीजिएगा तो 12 और 8 कितना होता है, 20 होता है। अब अगर क्वेश्चन में ये कहा जाता कि आपकी क्लास में ऐसे कितने लोग हैं जिनके पास कम से कम 1 रुपया तो है ही, तो ये सबको काउंट करेंगे और जब सबको काउंट करेंगे तो कितना 26 होगा आपका, यानी यहां पे 5वां क्वेश्चन बनेगा क्या कि मिनिमम 1 साइडेड क्यूब कितने हैं, तो आपका हो जाएगा 8 + 12 + 6 = 26। अब भाई आपकी क्लास में टोटल 27 लोग थे इस क्यूब के चक्कर में, यहाँ पे ध्यान से देखें टोटल 27 लोग थे। अब आपको क्वेश्चन ये पूछा गया है कि उस 27 लोगों में से 26 लोगों के पास कम से कम 1 रुपया है, तो एक कैंडिडेट ऐसा है जिसके पास 1 भी रुपया नहीं है, तो उस एक का आंसर क्या होगा कि हाउ मेनी क्यूब्स आर नॉन कलर्ड, ऐसे कितने घर है जिनकी कोई भी सतह रंगीन नहीं है। देखिए यहाँ पे चारों तरफ देखिएगा तो रेड है, अब ग्रीन है, सॉरी ब्लू है, ये ग्रीन है और ये रेड है। आप ये चीज देखिएगा, जब इसको आप तोड़िएगा ना, ये वाला ध्यान से देखिए, जब ये वाला आप तोड़िएगा इसको, तो अंदर वाले पार्ट में एक इधर का, एक इधर का, एक इधर का और एक इधर का, चारों तरफ से एक एक पार्ट मिला के एक क्यूब बना होगा। उसी का क्वेश्चन है कि हाउ मेनी क्यूब्स आर नॉन कलर्ड, ऐसे कितने घन है जिनकी कोई भी सतह रंगीन नहीं है। क्लियर यहां तक? अब गाइस बात करते हैं, कहिए आपके 6 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए और 7, 8 क्या था, 1 साइडेड का अगर कलर दे दे और 2 साइडेड का कलर दे दे, तो 2 क्वेश्चन आपका वहां से 8 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए, तो यहां पे आपका क्यूब फिनिश हो गया। लेकिन अगर पेपर की बात करते हैं, पेपर में अगर हमारे पास यही वाला क्वेश्चन बन गया, कितने का, पेपर में अगर हमारे पास क्वेश्चन बना सपोज करिए कि 3 बाई 3 का, कुछ नहीं करना है भाई, सिंपल एक बॉक्स बनाइए, ये बनाइए 3 बाई 3 का क्यूब बन के रेडी। अब 3 साइडेड वाले का आंसर ऑलवेज कितना होता है, 8 होता है, और 3 साइड वाले हमेशा कहां मिलते हैं, कॉर्नर पे मिलते हैं। 2 साइडेड वाले का आंसर कितना, तो 1, 2, 3, 4 और मल्टीप्लाई किससे, 3 से, तो ये टोटल आपके 12 हो गए। 1 साइडेड का 1 बचा, तो 1 को 6 से मल्टीप्लाई कर दो, आंसर कितना आएगा, 6। अब बात करते हैं यहाँ पे क्या मिनिमम 2 साइडेड, तो 8 + 12 कितना हो गया, 20 हो गया। मिनिमम 1 साइडेड, तो 8 + 12 + 6 बराबर कितना हो गया, 26, बचा कितना 1, तो उसका क्वेश्चन हो जाएगा हाउ मेनी क्यूब्स आर नॉन कलर्ड, ऐसे कितने घने हैं जिनकी कोई भी सतह रंगी नहीं है, आंसर विल बी 1। अगर ये क्वेश्चन हमारे पास कहा जाता 4 बाई 4 पे, आइए दिखा देते हैं, अगर हमारे पास एक क्वेश्चन 4 बाई 4 का कहा जाता, क्वेश्चन क्या बनता कि साइड ऑफ 3 सेंटीमीटर हार्ड क्यूब सब्जेक्ट फेसेस कलर बाय द कलर ऑफ रेड ब्लैक एंड ग्रीन कलर, देन वी कट स्मॉल पीसेस दैट साइड ऑफ 1 सेंटीमीटर। हमारे पास जो क्यूब था वो 4 सेंटीमीटर का था, क्लियर है? अब 4 सेंटीमीटर के क्यूब की अगर मैं बात करूं, 3 इधर से और 3 इधर से लाइनें ले दिया, जब हमारे पास क्वेश्चन बनता है 3 साइडेड का, तो 3 साइडेड का आंसर हमेशा कितना होता है, 8 होता है। 2 साइडेड का तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, और उस 8 को मल्टीप्लाई 3 से करेंगे तो कितना होगा, 24 होगा, 24 होगा। अब बचा क्या, बचा आपका 1 साइडेड, तो 1, 2, 3, 4, 4 को मल्टीप्लाई 6 से करेंगे तो आंसर कितना आएगा, 24 आएगा। अब बचा क्या आपके पास, बचा आपके पास मिनिमम 2 और मिनिमम 1, ठीक है? तो मिनिमम 2 साइडेड के कितने हैं, तो मिनिमम 2 साइड के लिए हमने यहाँ पे 3 साइड और 2 साइड को ऐड करेंगे, तो मिनिमम 2 साइडेड का जो आंसर बन के आएगा वो बन के आएगा 24 और 8 32। मिनिमम 2 साइडेड का आंसर 32 है और मिनिमम 1 साइडेड का प्लस 24 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा आपका 56, ठीक है? तो 24 32 56, और यहाँ पे आपका एक क्वेश्चन पूछ लिया जाता है क्या कि भाई नॉन कलर्ड कितने हैं, तो नॉन कलर्ड की अगर मैं बात करूं,
नॉन कलर्ड की बात करूं तो 4x4 का था, तो टोटल 64 है और 56 ऐसे क्यूब हैं जिन पे कम से कम एक सतह है, तो 64 में से 56 घटा दो बचा कितना 8, तो नॉन कलर्ड का आंसर कितना हो जाएगा गाइस, वो 8 हो जाएगा। क्लियर है? तो ये थे हमारे क्यूब के क्वेश्चंस जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और इस क्वेश्चंस को करने के लिए आप एक बार 5x5 का, अब मैं आपको क्वेश्चन दे देता हूँ, क्या क्वेश्चन आपको दे देता हूँ, निकालिएगा एक बार क्वेश्चन, ठीक है, कि 5x5 का क्यूब है, पूछा गया आपसे क्या कि थ्री साइडेड और मिनिमम टू साइडेड का आंसर क्या होगा, कि थ्री साइडेड का आंसर क्या होगा और मिनिमम टू साइडेड का आंसर क्या होगा। क्लियर है ना? अब देखिए एक चीज मैं आपको और बता दूं, यहां पे आपका होमवर्क था, एक चीज मैं आपको बता दूं यहां पे कि जब हम बात कर रहे थे किसकी, नॉन कलर्ड की, जब हम बात कर रहे थे किसकी, नॉन कलर्ड की, तो नॉन कलर्ड के आंसर्स पहले 3x3 का 1 आया, 4x4 का आपका 8 आया, 5x5 का बढ़ते गया 27 आया, ऐसे आपका बनते गया। तो अगर मैं बात करूं खाली किसकी, नन की, तो नन कलर्ड में जब हमारे पास 3x3 का था तो आंसर आया 1, 4x4 का था तो आंसर आया कितना 8। अब 1 और 8 क्या है, तो 8 क्यूब है किसका, 2 का, अगर ये 5x5 का आता तो आंसर होता 27, यानी कुछ नहीं करना, करना क्या था, हमने यहां पे किया क्या है, हमने यहां पे किया कि x माइनस 2 का क्यूब इज इक्वल टू नॉन कलर्ड। क्लियर है ना? यहां पे हमने किया है x माइनस 2 का क्यूब इज इक्वल टू नॉन कलर्ड। अब एक बात बताइए दोस्त, अगर आपके पास क्वेश्चन हो और क्वेश्चन ये कहा जाए कि साइड ऑफ 5 सेंटीमीटर हार्ड क्यूब ऑपोजिट फेसेस इज कलर्ड बाय द कलर ऑफ रेड ब्लैक एंड ग्रीन कलर, देन वी कट ए स्मॉल पीसेस दैट साइड ऑफ 1 सेंटीमीटर, देन हाउ मेनी क्यूब्स आर नॉन कलर्ड। कुछ नहीं करना भाई, 5 में से 2 माइनस करो और क्यूब करो, तो 3 का क्यूब कितना होता है 27। अगर यही हमारे पास क्या होता, यही हमारे पास 4 × 4 × 4 होता तो उसका आंसर कितना आता, तो 4 में से 2 माइनस करेंगे तो 2 और 2 का क्यूब 8। अब यही अगर मैं बात करूं गाइस कि 4 की जगह पे अगर हमारे पास क्या होता, 9 होता, तो 9 का होता तो 9 में से 2 माइनस किया 7, और 7 का क्यूब कितना होता है 3 × 4 = 3 होता है, तो ये आपका यहां से क्यूब निकल के आ जाएगा। क्लियर है? अब बात करते हैं दोस्त कि अगर हमारे पास यही क्वेश्चन होता कि वन साइडेड का आंसर कितना आएगा, ध्यान दीजिएगा, अगर हमारे पास क्वेश्चन होता क्या कि वन साइडेड का आंसर कितना आएगा, ठीक है, दूसरा पढ़ाव लेते हैं हम लोग, और यहाँ पे है क्या वन साइडेड थ्री इंटू थ्री इंटू थ्री का वन साइडेड 1 × 6 था, 4 × 4 × 4 का वन साइडेड 6, यहां पे 24 था, 5 × 5 × 5 का, कुछ नहीं करना भाई, यहां पर 1 और 4 क्या है, यहां पर ध्यान दीजिए, यहां पे 1 और 4 एक दूसरे के स्क्वायर के नंबर हैं, तो आपको क्या करना है कि x माइनस 2 का होल स्क्वायर इंटू 2, तो x माइनस 2 का होल स्क्वायर नहीं, x माइनस 2 का स्क्वायर खाली, तो x कितना है 5 है, तो 5 है, तो 5 माइनस 2 का स्क्वायर इंटू 6, तो 5 माइनस 2 बराबर 3। अब देखिए 3 का स्क्वायर कितना 9, 9 × 6 कितना होता है 54। तो इस तरीके के क्वेश्चन से हम लोग करेंगे गाइस। अब यहां पे अगर मैं बात करूं क्या, यहां पे देखिए ये अभी जो ये अंडरलाइन कर रहा हूं ना, दिस इज नॉट अ फॉर्मूला, इसको फॉर्मूला पे उतरने मत दीजिएगा, ये वो फंडे हैं जहां से भाई हम अपने कैलकुलेशंस को थोड़ा सा बचा सकते हैं, टाइम वहां पे बचा सकते हैं। अब अगर आपका क्वेश्चन आता है टू साइडेड का,
तो 4 बाई 4 का क्यूब है, 4 बाई 4 का क्यूब है। अब भाई जब हमारे पास 4 बाई 4 का क्यूब होता था तो कॉर्नर वाले, 4 बाई 4 का क्यूब होता था तो कॉर्नर वाले हटाओगे तो कितने, ये दो ही तो बच रहे ना, ध्यान दीजिए दो ही तो बच रहे ना, तो दो यहाँ पे नीचे, दो यहाँ पे, दो यहाँ पे। अब देखिए 4 बाई 4 का था ना, तो मैं हमने यहाँ पे 3 बाई 3 का बना, कोई नहीं बना देता हूं मैं। अगर हमारे पास 4 बाई 4 का क्यूब होता तो जब ये 4 बाई 4 का क्यूब है तो जब ये कॉर्नर को हटा दोगे, कॉर्नर को हटा दोगे तो बचा कितना, 2। और 4 बाई 4 के क्यूब में 2 साइडेड निकालना है तो 1 2 3 4 5 6 7 8, 2 2 4 2 6 और 2 8, और उस 8 को मल्टीप्लाई कर दो किससे, 3 से। आंसर कितना आएगा, 24 आएगा। अब 3 से मल्टीप्लाई क्यों करें, क्योंकि देखिए ना हमने आपको यहां पे बता रखा है, क्या ध्यान से देखिए, हमने यहाँ पे आपको बता रखा है कि मल्टीप्लाई हमेशा किससे होगा, 3 से होगा। मल्टीप्लाई हमेशा 3 से क्यों होगा, क्योंकि हमारे पास क्यूब जो है वो 3 डायमेंशनल होता है। तो गाइज यहाँ पे जब हमारे पास क्वेश्चन इस तरीके का खत्म हुआ, इसके बाद भी अगर आपको डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, आपको रिप्लाई मिल जाएगा। तो गाइज यहाँ तक हमारे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद आपका, और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो सब्सक्राइब करिए और अपने मित्रों को शेयर जरूर करिए, ठीक है। और जैसा कि हमने बताया था कि ये वीडियो स्पेशली आपके लिए है, क्लियर है ना, तो आप अपनी राय इस पे जरूर दें कि आपको आज का सेशन कैसा लगा। मिलते हैं हम अपने अगले सेशन में, हमारे साथ बने रहने के लिए थैंक यू सो मच।